फोटो नहीं देता है। अलका का बर्थडे है तो इसको सब हैप्पी बर्थडे विश कर दो, जितने भी भाई हैं सारे हैप्पी बर्थडे लिख दो अलका के लिए नीचे। और ये रस्का ही रहा टैडी। तो भाई एक बार मैं अभी ना, अब मैं भिवानी आया हुआ था, ठीक है। तो पहले तो अलका का बर्थडे विश करना है आप लोगों को, मिल टैडी से बात कर लो, ठीक है। यू बेस्ट यार, आप लोगों को एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा अपडेट देना है मेरे को, शायद आप लोग खुश भी हो जाओगे। हर्ष ब्लॉग्स वाले पे जैसे ही 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, नई गाड़ी आने वाली है, या फिर आप लोगों के चैनल पे इस हफ्ते, अगले हफ्ते या 3 हफ्ते में जब भी एक अनाउंसमेंट दिख जाएगी चैनल पे, और वो एकदम हक्का बक्का रहने वाली है, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसा होने भी वाला है कि भाई कैसे लेके आ रहा है, तो शायद से हो सकता है, शायद से मैं बोल रहा हूँ, है नहीं, पूरा प्लान बन रहा है अभी। और जैसे कि आप लोगों का ही ये देखो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये बस भाई उसके नीचे से पानी नहीं निकलेगा। स्काई रुक जा स्काई, मम्मी मारेगी, बैठ जा। हाँ तो मैं कह रहा था कि शायद हो सकता है कि आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, तो बस वेट करो। और अभी हुआ है कि आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा नीचे पूरा, तो इस पे जितने वीडियो पे कमेंट हो सकते हैं, कमेंट कर दो, क्योंकि मतलब राही भाई और मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या होने वाला है। तो आप लोगों को मॉडिफिकेशन पसंद है, अब भाई लगा लो ऐसी गाड़ी लेंगे जो मॉडिफिकेशन ही होगी जिसमें पूरी की पूरी, तो सजेशंस भी दे दो कौन सी ले लूँ, और साथ ही साथ फिर सपोर्ट भी दिखा दो पूरा। कई दिन बाद ब्लॉग ला रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे ये है कि देखो भाई, मतलब ठीक है, मैं मेरे को समझ आ गया कि आप लोगों को क्या पसंद है। मैं डेली ब्लॉग्स डालना चाहता हूँ, उस पर आप लोग 3-4 हज़ार व्यूज़ देते हैं, और जो मैंने मॉडिफिकेशन की स्विफ्ट वाली सीरीज निकाली थी उस पर 27-27, 30-30 हज़ार। तो मुझे समझ आ गया, न्यू कार भी आने वाली है अपनी, जैसी भी होगा सपोर्ट दिखा दो, बस ये है। तो लो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो राम राम जी, कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। भाई सारी दिक्कतें देखी जाए, इस दिक्कत का क्या करा जाए मेरे को ये बता दो, मतलब ये दिक्कत मेरे से सॉल्व तो हो नहीं रही, अगर आप लोग कर सकते हो तो मुझे बता दो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, सारे के सारे निकल गए, पर वो बीमार है बच्ची, मतलब ठीक हो गई है अलका ना, उसको ऑलमोस्ट वहाँ पर रखाई थी, पर ये निकल नहीं रही अब इसके नीचे से, अब इसके ऊपर से ही मेरे को गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। ऊपर से आए अलका आएगी एक बार, और मैं आराम से लेके जाऊँगा, क्योंकि कोई इसके नीचे घुस नहीं सकता ऐसे। तो भाई ये देख सकते हो अलका आई है अभी, और दूध वूध लेके आई है इसके लिए, उसको हटाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो वो हट नहीं रही है ना। तो अभी अलका ही एक बार करेगी, जो करेगी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो ये बैठी अलका एकदम यहाँ पे पास में, तो लेट ही निकलती है या नहीं निकलती, या फिर ऐसे ही ले जानी पड़ेगी। तो राम राम जी, निकलनी है भाई हम लोग दिल्ली के लिए, और एक बार ये सामान रख दूँ, बैग पूरा भरा हुआ जा रहा है, बैग नंबर 1 इनसाइड, और वहाँ पे बच्चे घुस गए, अब मम्मी चिल्लाएगी। खैर तो भाई बस अभी दिल्ली के लिए निकल रहे थे, और यार वो अलका का फेवरेट डॉगी है ना, मर गया, तो एक बार उसको गाड़ देता हूँ भाई यहाँ पे, पहले गड्ढा उड्ढा बनाऊँगा उसको, गाड़ लूँ, इतना डन हो गया है, थोड़ा सा बड़ा है वो, तो और खोदूँगा एक बार, और थक भी गया हूँ यार, अकेला हूँ, हाथों को कितने लाल हो गए एकदम, लगता हूँ थोड़ी देर और खोदता हूँ। यहाँ पे भी आया हुआ ऑटो यूनिक पे, और कई दिन बाद ये चेहरा आपको दिख रहा होगा। ये बात करने लग रहे भाई मेरे उसके लिए कि LED कहाँ से मिलेगी, क्या कुछ मिलेगी, तो भाई की बातचीत है ना करोल बाग में, मैं कह रहा भाई की बातचीत है करोल बाग में, इसलिए कह रहे पता कर देते हैं ना। तो भी एक बार यार बल्ब बुल्ब खराब हो गया था, आपको दिखा था रात को कि सड़ गए थे अपने बल्ब, तो अभी उसके लिए भाई एक बार देखते हैं, लेट्स सी, चाय पीने लग रहे हैं गर्मी में, चाय फॉर एवर है, चाहे कुछ भी हो ना हो। अभी राय भाई एक बार बात करें क्या कुछ सीन है, यार मैं उज़ूम के लगवाना चाहता हूँ, उसकी ना ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैं अभी वैक्स कार केयर पे, पीपे फोन लग रही है पीछे एक, और ये देखो यार स्कॉर्पियो खड़ी, मतलब समझ रहे हो, मैं तो आया हूँ अपनी गाड़ी का, यार ये हार्ड टॉप थोड़ा सा ना वापस से फेड सा हो गया, तो इस पे वो करवानी है अपन ने, क्या बोलते हैं, सेरेमिक कराऊंगा दोबारा से, तो अभी वॉशिंग वूशिंग जो है स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे भैया स्कॉर्पियो देखो, मतलब देख के भी मज़ा सा आ रहा है, क्या ज़बरदस्त स्कॉर्पियो मॉडिफाइड है, ये साइड में ये सांप बना रखा है, और आजकल ये ट्रेंड चल गया, मैंने देखा है 2-3 गाड़ियों पर, मतलब ये सांप सूंप सा ऐसे सही लगता है, और टायर घिस गए हैं भाई, 20 इंच टायर हैं सही, ये 20 इंच में बढ़िया लग रहे हैं। होगी थोड़ी देर में स्टार्ट अभी, लेट्स सी कि वॉशिंग होगी पहले तो, और यहाँ पे भाई ये होने लग रही है इतने, हाँ मैं बता रहा था कि 20 इंच में जो है ये टायर लगा रखे हैं, तो ठीक है टायर और आई व्हील भी पुरानी। मेरे को सबसे बढ़िया पता क्या लगा इसमें, ये देखो जेट ब्लैक एकदम, मतलब भाई कमाल है, एक बार देखो खुलिएगा, है तो खुली यार, दिख तो जाता है अंदर से, वैसे इधर से ऐसे दिख रहा है आर पार, यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, ये देखो, पर रात को दिक्कत होती होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी देखो बाहर लाइट है पूरी तरीके से, और यहाँ पे एकदम पूरा वो है, तो ऐसा है भाई, बाकी ठीक है बढ़िया है। और भाई महादेव के फ़ैन है, यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको आगे से, ये देखो महादेव जी का टैटू लगा हुआ है, और आपका भाई भी महादेव का फ़ैन है, ये रहा महादेव का टैटू,
तो ठीक है, बढ़िया है, जो भी है ऐसी है भाई गाड़ी। और जेड ब्लैक सीसी, मतलब यार स्कॉर्पियो ना सही में ये वाला जो मॉडल था ये कई लोगों की पसंद है अभी भी, और इनफैक्ट मेरी खुद की है, और इतनी ज़बरदस्त लगती है ना लुक्स में। पर अब कंपनी जो है इसको वो कर रही है, डिसकंटिन्यू करेगी, तो लेट्स सी डिसकंटिन्यू के बाद नया वाला मॉडल कैसा कुछ आएगा स्कॉर्पियो 2022 का। तो ये तो 2022 मॉडल नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, पुराना है, पर ठीक है, जो बढ़िया है। अभी होगी स्टार्ट अपनी, देर में थोड़ी सी थार, और इस पर भी करेंगे भाई शूट वूट जो भी है, कई दिन से इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, स्पा की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ आपको प्रेमियंस मॉल में चले जाऊँ, बट फिर ये है कि यार इसके पास भी रहना जरूरी है। लगी है मेरी गाड़ी यहाँ पे, आपको दिख रही होगी। तो अभी पहले इस पर वॉशिंग होगी, एंड वॉशिंग के बाद इसका जितना भी ऊपर हार्ड टॉप है वो हार्ड टॉप पूरा का पूरा पहले इसको कोट करवाएंगे। और बगल में भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो भी होने लग रही है, पूरी सांप सूप वाली है। तो अभी एक बार ये पहले वॉश हो जाती है, एंड वॉश होने के बाद देखते हैं फिर हार्ड टॉप पे कितना कुछ जो है परसेंट चेंज पड़ेगा। यहाँ पे अपनी गाड़ी की वॉशिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आज आया हूँ मैं यहाँ पे कुछ काम कराने के लिए, पर वॉशिंग भी पहले ज़रूरी है। तो एक बार ये वॉशिंग हो जाएगी और उसके बाद वी विल सी, मतलब ऐसे देखो यार PPF के बाद चमकती रहती है गाड़ी, बट ये वाली जो वॉश है ना ज़रूरी होती है। एक बार ट्रिप ट्रिप के बाद आओ तो करा लो, एंड अभी मैं ट्रिप के बाद ही आया था तो मैं कहा मैं चल करा ही लेता हूँ एक बार। तो दिस इज भाई एकदम बढ़िया से जो है साफ़ होने लग रही है, साफ़ हो जाती है, फिर उसके बाद इसमें जो भी नेक्स्ट काम स्टार्ट होगा आई विल शो यू। पूरी पे एक बार फोम लगा के छोड़ दिया, अभी वो फोम जो है ना नीचे टपकता रहेगा अपने आप, और जितने भी गंदगी है सारी लेके उतर जाएगा, ऊपर भी है। मतलब यार घर पे ना वॉश कर तो लो, पर ये वाला नहीं होता क्योंकि इनके पास टेक्निक रहती है पूरी की पूरी, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो यहाँ पे जो है ऐसे कुछ बातचीत लग रही है अपनी, तो वॉश हो जाएगी, वॉश होने के बाद डायरेक्ट आपको मिलूंगा। और अभी मैं थोड़ा बहुत बोर भी हो रहा हूँ, तो मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर चले जाऊँ, ऊपर जाके जो यहाँ पे खाने पीने का सामान है, और फिर यार गाड़ी भी होते देखनी है तो थोड़ा डाउट है। होगी वहाँ पे अपनी गाड़ी साफ, वो आपको दिख रही होगी उधर। तो अब जो है इसमें नेक्स्ट होगा कि ऊपर इस पर वो मारा जाएगा जो अपना हार्ड टॉप है उस पर वैक्स होने लग रही है, और एक बार इस पर हो रही है अपने, कई दिन हो गए यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे स्क्रैच भी आ रहे हैं, तो ट्रिप पे से भी आई थी तो हल्की सी जो है गाड़ी की डिटेलिंग होने लग रही है। और उसके बाद जो फिर अपने ऊपर उस पर जो सेरेमिक लगेगी, उसके बाद मेन ही होगा कि हाँ ये इस पर ना दो तीन बार और लगेगी तब जाके नॉर्मल होगा एकदम, नहीं तो ये वैसा ही जैसे रुखा रुखा सा रहता है वैसे ही रहेगा। अभी ना मैंने इत्र खरीदा है नेफेरियस करके, और 1400 रुपये का इत्र है, बहुत बढ़िया है इत्र, स्मेल भी अच्छी है इसकी। और आजकल पता नहीं मैं क्यों इतना ऑब्सेस्ड हूँ इत्र से, 1397 आपको दिख रहा होगा। तो ये सब छोड़ते हैं, ये रहा छोटा सा इन्फेरियस का, और भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लगाया था मैंने बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अभी बैठा हूँ मैं चाय उस पे, अभी चाय वाय खा रहा हूँ पी रहा हूँ थोड़ा, नीचे गाड़ी का काम हो रहा है तो एक बार कंप्लीट खा लेता हूँ उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे। यार ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं सामने देख रहा हूँ वो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं शोरूम के बाहर खड़े खड़े हो गए, अजीब है। बाकी मस्त बनिए, चलो स्टार्ट। तो भाई जितना भी इस पे ग्रीस होगा पॉलिश होगी वो सारी इस केमिकल से हट जाती है ना, और अगर इसी पे कर देते हैं तो वो यूज़फुल नहीं है क्योंकि फिर चिपकेगा नहीं, वो ऊपर ऊपर कोट करेगा। तो एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद फिर अपनी सेरेमिक स्टार्ट।